My dear viewers welcome वेलकम टू ई लर्निंग विदा चैनल आज मैं आपके लिए इस्लामिक स्टडीज़ का टॉपिक लेकर आई हूँ जिसका नाम है गजबाई अहद और बैटल ऑफ बद बैटल ऑफ अहद गजबाईद या ओहद ये इस्लामिक स्टडीज़ का टॉपिक है और ये इसके एम सी क्यूज आपके जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनमें ये एम सी क्यूज बार बार रिपीट होते हैं टॉप फिफ्टी मोस्ट रिपीटेड एम सी क्यूज हैं जो आपके एफ पी एस सी के पेपर हों या पी पी एस सी का हो या एन टी एस का टेस्ट हो उसमें ये जरूर रिपीट होते हैं uh, तो हर एक टॉपिक की मैंने uh, अलग से वीडियो बनाई है ताकि आप लोग जब एग्जाम्स की तैयारी करें तो जस्ट आप वीडियो को देखें और उससे uh, आपके माइंड में क्वेश्चंस जो है क्लियर होते जाएं इससे पहली वीडियो में मैंने गजबाई बदर के एमसीक्यूज़ बनाए हैं आप मेरी वो वीडियो भी जरूर देखें तो चलें स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो गजबाई अहद और बैटल ऑफ ओहद ओहद इसा अहद क्या है हिल बैटल ऑफ ओहद टू प्लेस इन जो जंग अहद थी वो तीन हिजरी को पेश आए ओहद इज लोकेटेड हाउ मेनी माइल्स अवे फ्रॉम मदीना जो ओहद है वो मदीना से कितने मील के फासले पर वाक है माइल्स अवे फ्रॉम मदीना। हाउ मेनी मुस्लिम वर माइटेड इन द बैटल ऑफ ओहद जंगे ओहद में कितने मुसलमानों ने शहादत पाई सेवेंटी मुस्लिम्स वर माइटेड इन द बैटल ऑफ ओहद हाउ मैनी मुस्लिम पार्टिसिपेटेड इन द बैटल ऑफ ओहद कितने मुसलमानों ने जंगद में हिस्सा लिया सेवन हंड्रेड मुस्लिम बिन ओबेई अब्दुल्ला बिन ओबे जो मुनाफ मुनाफी में शामिल था अः वो उसके कितने साथी थे तीन सौ साथी थे जो अपने साथियों को लेकर अलहदा हो गया था जंग उहद में

हम जंग हारे लेकिन आपने इस पहाड़ी दरे को नहीं छोड़ना लेकिन वहां पे जब ने देखा कि हम जंग जीत रहे हैं तो उन्होंने सोचा कि अब तो हम जंग जीत गए हैं तो उन्होंने अः मालिक गनीमत जमा करने के लिए वो वहां से जो है आ, हट गए पहाड़ी दरा उन्होंने छोड़ दिया मालिक गनीमत जमा करने के लिए तो पीछे से जो था अः जो काफिर थे उन्होंने दोबारा पीछे पहाड़ी दरे से हमला किया और हमला करने वाले खालिद बिन वलीद थे जो उस वक्त तक मुसलमान नहीं हुए थे तो उन्होंने उस पहाड़ी दरे पर हमला करके तमाम मुसलमानों को शहीद कर दिया था और इस तरह मुसलमानों को इस जंग में शिकस्त हुई थी Uh, तो चले चलते हैं नेक्स्ट एम सी बस की तरफ हुफ द बैटल ऑफ ओहद कौन जीता था काफिर uh, मुनाफिकीन जो थे इनफीडल्स जो थे वो अः ओहद उन उन्होंने मुसलमान जो थे मुसलमानों को शिकस्त हुई थी गजबाई ओहद में द लीडर ऑफ़ एनिमी कवाली एंड द बैटल ऑफ अहद वास खालिद बिन वलीद जो घोड़सवारों के फौज के सरदार थे गजब ओहद में वो कौन थे खालिद बिन वलीद थे अब्दुल्ला बिन ओबई वास अब्दुल्ला बिन ओबे जो था वो मुनाफिक था वो तीन सौ अपने साथियों को लेकर मुसलमानों से अलादा हो गया था इस जंग में इन विच बैटल द मुस्लिम वन मुस्लिम प्रोवाइडेड फर्स्ट एड टू द मुस्लिम फाइटर्स किस जंग में पहली बार जो मुस्लिम खातन थी उन्होंने जो फर्स्ट एड थी वो प्रोवाइड की थी अपने साथियों को जंग लड़ने वालों को गजवाए अहद में इन बैटल हजरत हमजा रजी जंग में हज़रत हमजा रजील तहादत पाई गजवाए अहद में इन विच बैटल मुस्लिम सफर्ड हैवी लॉस मुसलमानों को किस जंग में नुकसान उठाना पड़ा गजबा उहद में आ, वो आ, इस इसलिए कि उन्होंने हजरत मोहम्मद उन्हों के फरमान की नसीहत पर अमल नहीं किया था इसलिए मुसलमानों को आ, नुकसान का सामना करना पड़ा व्हाट वाज़ द नेम ऑफ

ओहद में हु वॉज द कमांडर ऑफ द बैटल ऑफ ओहद जो जंग ओहद में या काफर मुनाफिका ओहद इज लोकेटेड इन नॉर्थ नॉर्थ जानेब जो है ओहद जो प्लेस है वो मदीना से नॉर्थ पर है वाक है

और उनको किसने शहीद किया था वह शिबिन हरब ने विच बैटल मुस्लिम फाउट बिफोर द बैटल ऑफ ओहद मुसलमानों ने जंगे ओहद से पहले कौन सी जंग लड़ी थी जंग बदर द बैटल ऑफ ओहद इज मैं क्रॉन जंगद का जिक्र करा मजीद की किस सूरत में है सुरे, सुरे आले इमरान में है ये थी मेरी आज की छोटी सी वीडियो जंगद के ऊपर से के इस पर थी और आई होप कि आप लोगों को इसकी समझ आई होगी कि इसमें मुसलमानों को शिकस्त हुई थी और उसकी सबसे बड़ी वजह थी कि जो अज मोहम्मद की नसीहत पर अमल ना करने की वजह से मुसलमानों को इस जंग में शिकस्त हुई थी और इससे हमें यही नतीजा मिलता है कि चाहे हम जंग जीतें या हारें लेकिन अपने सरदार जो हैं उनकी नसीहत पर ज़रूर अमल करना चाहिए तो आई होप सो कि आप लोगों को मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल ई लर्निंग विद सैदा चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियोस को लाइक करें कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दें इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ आएंगे तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज